बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पुडिंग की रेसिपी बताएंगे। वैसे तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम रिफाइन पैकेट जो है वो यूज़ करेंगे पुडिंग बनाने के लिए, पैकेट वाली पुडिंग बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर हम एक आध आपको टिप्स भी देंगे, जिससे आपकी पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले हम एक पतीली के अंदर 2 कप के करीब दूध डालेंगे, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये दूध। आधा किलो दूध में से आप आधा कप निकाल दें, इतना हमने दूध लिया है। और दूध को अब हम गर्म करेंगे, और एक साइड पे हम ये बाउल है इसके अंदर जो हम कैरीमल जो है वो उसको स्प्रेड कर देंगे। हमने यह रिफाइन का पैकेट लिया है, इसमें से हमने कैरीमल निकाल ली है, और ये सारा कैरीमल जो है हम बाउल के अंदर जो है वो स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पुडिंग का मोल्ड है तो आप वही यूज़ करें, तो हमारे पास वो नहीं था तो हमने ये बाउल लिया है। कैरीमल डालने के बाद हम सारा जो है कैरीमल फैला देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपकी पुडिंग बहुत ज़बरदस्त बने, तो इसके लिए आप ये करें कि फुल आधा किलो दूध ना लें, थोड़ा सा उसमें से निकाल लें आधा कप के करीब। और ये दूध हमारे यहाँ गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर जो है वो पैकेट डाल देंगे और मिक्स करेंगे, चम्मच साथ साथ चलाएँगे। क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल था तो हमने इकट्ठा डाल के फटाफट चम्मच चलाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने एक हाथ से चम्मच चलाना है और एक हाथ से जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालना है। सारा मिक्सचर डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम सारा मिक्सचर जो है वो कैरीमल वाले बाउल के अंदर डाल देंगे। आपने गर्म ही डालना है, ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ठंडा करने के लिए रखेंगे तो वो बिल्कुल जमना शुरू हो जाएगा और पुडिंग सही नहीं बनेगी। तो अब हम इसे छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे। हम इसे आधे घंटे के लिए बाहर ही रहने देंगे, इसके बाद जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये टोटल 1 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं हमारी पुडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से जम चुकी है और बहुत थिक भी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक में है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आपने जो है वो दूध आधा किलो से कम लेना है, और जब आप पुडिंग का मिक्सचर रेडी कर ले तो गर्म मिक्सचर ही आपने बाउल के अंदर या मोल्ड के अंदर डाल लेना है। तो ये 2 टिप्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।